अनु किचन में आपका इस्तकबाल है। आज मैं फिर हाजिर हूँ न्यू रेसिपी के साथ, सेवैयां कस्टर्ड डेजर्ट। ये एक स्वीट डिश है जिसे आप ईद पर ज़रूर बनाइए। कोई मेहमान आपके यहाँ आए तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आधा किलो मैंने दूध लिया है, आधा कप चीनी ली है, चीनी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कप मैंने कस्टर्ड लिया है, दो कप मैंने सेवैयां ली हैं, पांच काजू लिए हैं, 10 बादाम लिए हैं और कुछ ये नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया था, केवड़ा है थोड़ा सा, हम वो भी बाद में डालेंगे। लो फ्लेम पर एक भगोना रखेंगे, उसमें हम दूध डालेंगे और दूध को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, क्योंकि मेरा पहले से दूध गर्म है इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगी। 2 चम्मच इसमें हम चीनी डालेंगे, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और उसको हम चला लेंगे। अब हम कस्टर्ड लेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कस्टर्ड भी ऐड कर देंगे, हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसको चलाते रहेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। मीडियम फ्लेम पर हम पैन रखेंगे, अब शुगर सिरप बनाएंगे। आधा कप हमारी चीनी है, आधा कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। चीनी को इतना हम चलाते रहेंगे, जब हमारी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, बस हमें इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। डिज़ोल्व चीनी हमारी हो जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए हमारा सिरप तैयार है। अब लो फ्लेम हम कर देंगे और शुगर सिरप में सेवैयां डाल देंगे और थोड़ा अच्छे से मिक्स करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 4-5 मिनट के लिए, ताकि सेवैयां शुगर सिरप को जज्ब कर लें। 5 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सेवैयां तैयार हैं। हे भाई भाई, अब हम एक डिश लेंगे, उसमें सेवैयों और कस्टर्ड की लेयरिंग करेंगे। अब हमने देखिए सेवैयाँ इसमें अच्छी तरह से फैला ली हैं, अब कस्टर्ड भी इसमें ऊपर से डालकर अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे और कस्टर्ड की लेयर बना लेंगे। हल्के हाथ से डालिएगा, हमारी लेयर बन चुकी है। अब हम इसमें इसके ऊपर सेवैयाँ भी ऐड कर देंगे। सेवैयों की भी लेयर बना लेंगे। अब फिर हम कस्टर्ड डाल देंगे, इसकी भी लेयर अच्छे से बना लेंगे। अब हम लास्ट में इसमें केवड़ा डालेंगे, केवड़ा डालने से बहुत अच्छी से खुशबू आ जाएगी और गार्निशिंग अब हम इसकी कर देंगे ऊपर से ड्राई फ्रूट से। अब हमारी सेवैयाँ कस्टर्ड डिज़र्ट तैयार हैं और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत टेस्टी बनी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इनको हम 3-4 घंटे के लिए फ्रीज़र में ढककर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये हमारी जम जाएं। मैंने फ्रिज में से इसको निकाल लिया है, ठंडा हो चुका है, लेयरिंग इसकी सेट हो चुकी है और मैं अब आपको इसको काट कर दिखाऊँगी। मैंने इसके बड़े बड़े पीस किए हैं, आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं। इसके पीस देखिए कितनी अच्छी सी लेयरिंग नज़र आ रही है और देखने में बहुत टेस्टी है, खाने में भी बहुत आपको मज़ा आएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।